नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। छिंदवाड़ा में स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल है। जिला अस्पताल में 45 मिनट तक बिजली गुल रही, टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज किया गया। लाइट नहीं होने से तीमारदार परेशान दिखे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, बीमार अस्पताल छिंदवाड़ा में स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल सामने आया है। बताते चले कि जिला अस्पताल में आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह से बिजली गुल है, और ऐसे में टॉर्च की रोशनी से जो अस्पताल है वहां पर लोगों का इलाज किया जा रहा था। आप देख सकते हैं करीब 45 मिनट तक ये बिजली जिला अस्पताल की गुल रही है। टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज किया गया है। लाइट नहीं होने से तीमारदार परेशान दिखाई दे रहे थे। देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि किस तरह से मरीजों का इलाज टॉर्च की रोशनी में किया जा रहा है। साथ ही साथ जो पर्चे भरे जा रहे हैं, जो फॉर्म फिल किया जा रहा है, वो भी टॉर्च की रोशनी में किया जा रहा है। करीब 45 मिनट तक बिजली गुल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता महेश फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। महेश, बड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल दिखाई दे रहा है, और इस तरह से जो तस्वीरें सामने आई है टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज किया गया, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी है? बिल्कुल, छिंदवाड़ा का जो जिला मॉडल हॉस्पिटल के रूप में जाना जाता है पूरे प्रदेश सहित देश भर में, यहाँ पर अव्यवस्थाओं ने जो है बिल्कुल लगातार जो है लोगों को परेशान किया हुआ है। कहीं पानी छत से पानी टपकता है तो कहीं डॉक्टर नहीं पहुंच पाते, मरीजों के इलाज के लिए परेशानी हो रही है। वहीं अभी एक ताजा जो रात को मामला आया वो ये है कि जिला अस्पताल में लगभग 45 मिनट लाइट जो बंद रही थी, हालांकि चार घंटे तक लाइट बंद रही थी, परंतु जो मुख्य बातें सामने आई है, उस समय जो है डॉक्टर और नर्सों ने जो 45 मिनट की लाइट बंद रही उस बीच एक मरीज का ऑपरेशन भी उन्होंने उस दौरान यहाँ किया लाइट और टॉर्च के साथ मिला करके। परंतु फिर भी जिस तरह से लाइट जो है आईसीयू के वार्ड में और आकस्मिक चिकित्सा विभाग में जो लाइट बोल रही, वहां पर यदि पर्याप्त व्यवस्था नहीं रहती है कभी भी एक बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी और एक बड़ा मामला भी सामने आ सकता था। वही लापरवाही जो है अस्पताल प्रबंधन की सामने आई है। बिल्कुल, अस्पताल प्रबंधन की ये जो लापरवाही दिख रही है, बड़ी लापरवाही सामने आई है। आखिर ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया गया है, क्योंकि पहले भी इस तरह की बदहाली की तस्वीरें वहां से सामने आती रही है? बिल्कुल, ये बात सही है। जब हमारी इस बारे में जब हमारी अधिकारियों से जब बात हुई, डॉक्टर से बात हुई, तो डॉक्टर का कहना था कि अचानक जो है लाइट चली गई थी और उसी बीच जो है चिकित्सा चल रही थी, क्योंकि चिकित्सा को रोका नहीं जा सकता था, इसीलिए लाइट टॉर्च की लाइट में जो है ये व्यवस्थाएं बनानी पड़ी। परंतु फिर भी हमने एमपी वालों को सूचना दी, परंतु ये हर बार का यही जवाब रहता है, परंतु लापरवाही कहीं ना कहीं हो रही है। जनरेटर वहां पर इतने करोड़ों रुपए की लागत के लगे हुए हैं, वो जनरेटर भी लगातार बंद रहते हैं, जिसको लेकर भी हमने कई बार न्यूज स्टेट पर इस बात की खबर दिखाई है, परंतु प्रशासन की आंखों पे जू तक नहीं रह सकती, कानों तक जू नहीं पहुंच पाती, आंखों से दिख नहीं पाता उनको। और ये कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन, जिला प्रशासन और साथ में जो राजनेता है, जनप्रतिनिधि है, उनकी भी लापरवाही इसमें कहीं ना कहीं सामने आती है। बिल्कुल, क्या किसी जनप्रतिनिधि ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं डरा रही है। मरीजों का इलाज अंधेरे में किया जा रहा है, टॉर्च की रोशनी में किया जा रहा है, यहाँ तक कि ऑपरेशन तक टॉर्च की रोशनी में किया गया। बिल्कुल, ये बात सही है कि जनप्रतिनिधि जब इस बारे में हम जब उनसे पूछते हैं तो उनका कहना है कि ये मामला अभी हमारे संज्ञान में आया है, परंतु लगातार जिस तरह से अव्यवस्था चल रही है उस ओर ना तो कोई जनप्रतिनिधि, राजनेता और ना ही कोई सांसद विधायक इस पर कभी कोई ध्यान देते हैं कि जिससे एक पर्याप्त व्यवस्था यहाँ बने। चूंकि मॉडल हॉस्पिटल का उदाहरण पूरे लोग देते हैं, पूरे प्रदेश के लोग और देश के लोग देते हैं छिंदवाड़ा को, वहीं अपनी दुर्दशा पर ये आंसू बहा रहे हैं। बिल्कुल, अब अस्पताल प्रबंधन की तरफ से किस तरह का एक्शन लिया गया है जो पूरे मामला सामने आया है, क्या अब व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए किसी तरह का एक्शन अस्पताल प्रबंधन ने लिया है? अस्पताल प्रबंधन से जब हमारी रात को ही बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अब चूंकि अभी हम किसी तरह से एक जनरेटर चालू करके वहां व्यवस्था बना रहे हैं, परंतु फिर भी लाइट क्यों गोल हुई है और लाइट किन कारणों से गोल हुई, इसके लिए हम मध्यप्रदेश विद्युत मंडल को लिखेंगे ताकि ये इमरजेंसी सेवाएं जो रहती हैं उन सेवाओं बाधित ना हो सके, इस बात के लिए हम प्रयास करेंगे। परंतु चूंकि जो घटना जब घट जाती है, जब परेशानियां सामने आ जाती है, उसके बाद प्रशासन जागता है कि पहले से ही क्यों व्यवस्था नहीं करते, लगातार बारिश भी हो रही है, इसके चलते भी पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए जाते। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए। तो अस्पताल से बड़ी लापरवाही की तस्वीरें सामने आई है, जहां आपको बता दें कि अस्पताल में बिजली गुल हो गई और करीब 45 मिनट तक ये बिजली गुल रही, और ऐसे में टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज किया गया, साथ ही साथ ऑपरेशन तक टॉर्च की रोशनी में किया गया।